हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे होली के लिए बहुत सारी रेसिपीज़। क्रिस्पी स्टफ्ड आलू टिक्की, स्पेशल पिनव्हील समोसा, राम लड्डू और मीठे में मालपुआ, नॉन फ्राइड दही भल्ला और गोलगप्पे। सभी रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल और टेस्टी हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर एक पैन लिया है जिसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला हुआ है। ऑयल को गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस वक्त हमने फ्लेम बिल्कुल लो करी हुई है। 1-2 मिनट इनको भून लेते हैं। ये है 1/4 कप भीगी हुई चना दाल, जिसको कि हमने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और उसका पानी निकाल दिया है। अब इसको पैन में डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, मिक्स करके 1/2 कप पानी डाल देंगे। फ्लेम को तेज कर देंगे, बीच में एक बार इसको चला देंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया है। फ्लेम को स्लो कर देते हैं और अब इसको ढककर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम आलू की टिक्की का डो तैयार कर लेते हैं। ये हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको कि हमने उबाल लिया था और उबाल कर बिल्कुल ही ठंडा किया हुआ है। आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि आलू गर्म नहीं होने चाहिए। इनको छील लेंगे। ये देखिए हमने सारे आलू छील लिए हैं, अब हम इनको मीडियम साइज से ग्रेट कर लेंगे। ये हमने सारे आलू ग्रेट कर लिए हैं। बीच में दाल को एक बार चला देते हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लगभग 1 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी आलू टिक्की का डो तैयार हो गया है। ये देखिए हमारी दाल भी पककर तैयार हो गई है और ये हल्की सी मैशी हो गई है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा इसमें हमें पानी लग रहा है इसलिए गैस को तेज कर देते हैं और पानी को सुखा लेंगे। ये हमारी दाल तैयार हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको उतार कर ठंडा कर लेंगे। तो चलिए अब टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम अपने हाथों को घी से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा आलू का डो लेंगे, आपको जितनी बड़ी टिक्की बनानी है उतना डो आप ले लें। इसको थोड़ा गोल करके हम इसको इस तरह से फैला लेंगे। अब हम इसमें अपनी चने की दाल की स्टफिंग भरेंगे। थोड़ा सा इसको बीच में कर लेंगे और जिस तरह से हम कचौरी को बंद करते हैं उसी तरह इसको भी बंद कर लेंगे और इसको इस तरह से टिक्की की शेप में बना लेंगे। ये देखिए हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है और इसी तरह से हम अपनी सारी टिक्कियों को बना लेंगे। ये हमने सारी टिक्कियों को तैयार कर लिया है और अब हम इनको तवे पे सेकेंगे। यहाँ पर हमने गैस पर तवा गर्म कर लिया है, अब इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम टिक्कियों को इस पर रखेंगे। फ्लेम लो से मीडियम रखेंगे और इनको थोड़ी देर ऐसे ही सिकने देंगे। ये देखिए इन पर नीचे की तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है, इसका मतलब अब ये नीचे से सिक गई हैं और अब हम इनको पलट देंगे। अगर पलटते वक्त आपको लगे कि ये अभी चिपकी हुई है
तो इसका मतलब है वो अभी सिकी नहीं है, क्योंकि सिकने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और तब आप उसको पलटेंगे तो वो आराम से पलट जाएगी। ये देखिए टिक्की का कितना अच्छा कलर आया है। अब हम दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से सिकने देंगे। अगर आपकी टिक्की की साइड कहीं से रह गई है तो उसको घी की तरफ कर दें, जिससे कि वो घी से सिक जाए। देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारी टिक्की अच्छी तरह से सिक गई है और इसकी जो साइड्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से सिकी हुई हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। चलिए अब ये तैयार हो गई हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं और हम अपनी बाकी टिक्कियों को भी इसी तरह से सेक लेंगे। अब हम अपनी टिक्की चाट तैयार करते हैं। अब हम टिक्की के ऊपर थोड़ी सी दही डालेंगे, इमली की खट्टी मीठी चटनी, थोड़ी सी हरी चटनी। दोनों चटनी की रेसिपीज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इन दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे, बारीक सेव। अब इस पे हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर और हल्का सा काला नमक। और ये हमारी क्रिस्पी स्टफ्ड आलू टिक्की चाट तैयार है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए हम एक बोल में 2 कप मैदा लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। ये हमने 1 टीस्पून अजवाइन लिया है, इसको हाथों से क्रश करके डालेंगे। इनको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे आटे की इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो बना लेंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको ढककर आधा घंटे के लिए रख देंगे। चलिए अब हम समोसों की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने गैस पर एक पैन ले लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, फ्लेम को लो पर कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून दरदरा कुटा धनिया, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इनको थोड़ा मिक्स कर देते हैं और 1 मिनट के लिए इनको भून लेंगे। 1/4 कप बॉइल्ड मटर डालेंगे, जिनको हमने मैश किया हुआ है। 5 मीडियम साइज बॉइल्ड आलू मैश किए हुए, इनको भी हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून दरदरी कुटी सौंफ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 3-4 मिनट मैश करते हुए इनको भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिला देते हैं। ये हमारे समोसे की स्टफिंग तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देते हैं और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। चलिए समोसे की कोटिंग के लिए एक रनिंग बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक बोल में 1/2 कप मैदा लेंगे, हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से फ्लोइंग होनी चाहिए। इसको एक तरफ रख देते हैं। डो को भी 1/2 घंटा हो गया है और ये भी बिल्कुल
तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बार फिर से मल लेंगे। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और इनकी इस तरह से गोल लोई बना लेंगे। ये देखिए समोसे की स्टफिंग भी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम इनमें से एक लोई लेंगे, उसे रोलिंग बोर्ड पर पतला बेल लेंगे। ये देखिए इसको हमने बेल लिया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। अब हम इस पर जो हमने स्टफिंग बनाई है उसको इस तरह से फैला देंगे। आप सारे में इसको अच्छी तरह से फैलाएं। और इस तरह से इसको हम थोड़ा सा टैप कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से एक तरफ से रोल करना शुरू करेंगे। आप इसको इस तरह से थोड़ा दबाते हुए टाइटली ही रोल करें। ये देखिए इसको हमने सारा रोल कर लिया है। इसको इसी तरह से अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। अब हम इसे बीच से चाकू से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और एक एक सेंटीमीटर के गैप पर इनको कट कर लेंगे। ये देखिए पिनव्हील समोसे का कितना अच्छा डिज़ाइन बनकर आया है। अब हम इनको हल्के हाथों से इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे। ये हमारे सारे बनकर तैयार हो गए हैं और गैस पर ऑयल भी गर्म हो गया है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करने की तैयारी करते हैं। बैटर को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक समोसा लेंगे, उसको इसमें डिप करेंगे। इससे तब हम समोसों को फ्राई करेंगे तो उनकी स्टफिंग ऑयल में नहीं निकलेगी और ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और इसको ऑयल में डाल देंगे और इसी तरह से हम और भी डाल देंगे। इनको हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। इनको आप पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लें जिससे कि इनमें चारों तरफ से अच्छा कलर आए। ये देखिए इनमें कितने अच्छे रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनकर आया है। ये देखिए इनमें अच्छा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी के समोसों को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे क्रिस्पी पिनव्हील समोसे तैयार हो गए हैं। ये नॉर्मल समोसों से ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इन्हें इमली की खट्टी मीठी चटनी या हरी चटनी से खाइए, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर हरा धनिया लिया है और ये मूली के पत्ते हैं, छोटे छोटे ही पत्ते हमने लिए हैं। ये चार हरी मिर्च लिए हैं। हरी मिर्च आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप इसमें पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। इन सबको हम मिक्सी ग्राइंडर में डाल देंगे। ये हमने दो टेबल स्पून रायता बूंदी ली है, इसकी जगह आप कोई भी बेसन की नमकीन इसमें डाल सकते हैं। एक नींबू का रस, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसमें पानी डालकर इसकी हम चटनी तैयार कर लेंगे। और ये हमारी मूली के पत्तों की चटनी तैयार हो गई है। राम लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप मूंग की बिना छिलके वाली दाल ली थी और इसको हमने 5 घंटे पहले भिगो दिया था। ये हमने 1/4 कप चना दाल ली थी, इसको भी हमने धोकर पानी में 5 घंटे पहले भिगो दिया था। और ये हमने 2 टेबल स्पून उड़द बिना छिलके वाली दाल ली है, इसको भी हमने इसके साथ ही भिगो दिया था। अभी हमने तीनों दालों का पानी निकाल दिया है। दालों को हम मिक्सी ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लेंगे। इनको हम कम से कम पानी डालकर पीस लेंगे। और ये हमारी दाल पीसकर तैयार हो गई है, इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम दाल को 5 मिनट फेटेंगे। आप दाल को तब भी फेटें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसको एक ही डायरेक्शन में फेटें। दाल को फेटने से दाल बहुत फ्लफी हो जाएगी, इससे हमारे राम लड्डू बहुत सॉफ्ट बनेंगे।
और ये दाल को हमने 5 मिनट फेंट लिया है और ये काफ़ी फ्लफी हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और जो हमने मूली के पत्तों की चटनी बनाई है उसको भी हम इसमें 1 टेबल स्पून डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 पिंच इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे, इनको मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और फ्लेम को अब मीडियम पर कर दिया है और अब हम दाल को हाथ से इस तरह से ऑयल में डालेंगे। और ये देखिए ये ऑयल के ऊपर ही आ रहे हैं, ऊपर ही तैर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने दाल को बहुत अच्छी तरह से फेटा है। अब हम इनको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा तल कर रख लें और फिर इन्हें दोबारा से फ्राई भी कर सकते हैं। ये राम लड्डू हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अच्छा कलर आ गया है, क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के राम लड्डुओं को भी तैयार कर लेंगे। ये हमने मूली का लच्छा तैयार किया है, इसके लिए हमने मूली को थोड़ा बड़ा ग्रेट किया हुआ है और इसका पानी निचोड़कर अलग कर दिया था। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इसको मिक्स कर देते हैं और ये हमारा मूली का लच्छा तैयार हो गया है राम लड्डुओं पर डालने के लिए। और ये हमारे राम लड्डू तैयार हो गए हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट हैं। चलिए इनकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। राम लड्डू पर पहले हमने जो चटनी तैयार की थी हरी उसको डालेंगे, उसके ऊपर मूली का लच्छा डालेंगे, फिर दोबारा से हम इसके ऊपर हरी चटनी डालेंगे और थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी, थोड़े से डालेंगे अनार के दाने और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला। और ये बढ़िया टेस्टी राम लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। आप भी इन्हें घर पर ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हम एक बोल लेंगे और उसमें आधा कप मैदा डालेंगे, आधा कप मिल्क पाउडर। अब हम 1 कप दूध लेंगे और उसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसको मिक्स भी करते रहेंगे। बैटर इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। 1 कप दूध में से हमारा 3-4 टेबल स्पून दूध बच गया है। हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि ये फूल जाए। जितने हमारा बैटर तैयार होता है इतने हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम एक भगोना लेंगे, इसमें 1 कप चीनी डालेंगे और जितनी चीनी है उतना ही पानी डालेंगे, यानी कि 1 कप। ये हमने इसको गैस पे रख दिया है। चीनी घुलने तक इसको पकाएंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। चाशनी में उबाल आ गया है और चीनी बिल्कुल घुल गई है। इसमें थोड़ा सा केसर डाल देते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। इसको 3-4 मिनट तक पकाएंगे। चाशनी को चेक कर लेते हैं कि ये तैयार हुई है कि नहीं। इसके लिए थोड़ी सी चाशनी लेकर उसको एक बोल में डालेंगे और उसको इस तरह से चेक करेंगे। हमें यहाँ पर तार की चाशनी नहीं चाहिए, हमें केवल शहद जैसी स्टिकी चाहिए। हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसको तार लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी छोटी इलायची को कूट कर डाल देंगे और 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल देंगे जिससे कि हमारी चाशनी में क्रिस्टल ना बने।
इन सबको मिक्स कर देंगे। ये हमारे मालपुए का बैटर तैयार हो गया है। यहाँ हमने एक पैन में घी गरम कर लिया है। आप चाहें तो और भी यूज़ कर सकते हैं। घी को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। अब हम इसमें चमचे से थोड़ा सा बैटर डालेंगे, देखिए इस तरह से। ये थोड़ा सा सिकने के बाद अपने आप ही ऊपर आ जाएगा और फिर हम इसको पलट देंगे। हम दूसरे मालपुए के लिए भी बैटर डाल देते हैं। अब हम इनको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। तब ये हल्के से गोल्डन हो जाएं तो आप फ्लेम को मीडियम पर कर लें। ये देखिए हमारे दोनों मालपुए सिककर तैयार हो गए हैं। हम इनको निकाल लेते हैं और इनका एक्स्ट्रा घी इस तरह से दबाकर निकाल देंगे और इनको चाशनी में डाल देंगे। चाशनी बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी गर्म होनी चाहिए। थोड़ा से चम्मच से दबाकर इनको नीचे कर देते हैं और 3-4 मिनट के बाद इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी मालपुए भी तैयार कर लेंगे। देखिए मालपुए बहुत अच्छे बने हैं। इनके जो किनारे हैं काफ़ी क्रिस्प हैं और बीच में से ये काफ़ी सॉफ्ट हैं और यही मालपुए की खासियत होती है। हम इनकी थोड़ी सी पिस्ते से गार्निशिंग कर देते हैं। ये देखिए हमारे मालपुए एकदम तैयार हो गए। इसके लिए हम एक बोल में 1 कप सूजी लेंगे। इसमें हम जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही दही लेंगे, यानी कि 1 कप। 1/2 टीस्पून जीरा डाल देते हैं, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड अदरक। इन सबको मिक्स करेंगे। सात आठ चॉप्ड काजू डाल देते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देते हैं, ज़्यादा ना डालें। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर अभी थोड़ा सा थिक है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अभी हम बैटर को इतना ही थिक रखेंगे। इसको ढककर 20 मिनट के लिए रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब हम दही बल्लों को भिगोने के लिए पानी बना लेते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन में करीब 1 लीटर पानी लेंगे। इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और ये हमारा दही बल्ले को भिगोने के लिए पानी तैयार हो गया है। अब हम दही बल्लों पर डालने के लिए मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नॉर्मल नमक। इन सबको मिक्स कर लेंगे और ये मसाला भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम दही बल्लों के लिए दही तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने 1.5 कप गाढ़ी फैटी हुई दही ली है। इसमें हम 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा करना है तो और डाल लें। इसको मिक्स कर देंगे और ये दही भी तैयार हो गई है हमारी। 20 मिनट हो गए हैं, बैटर को भी चेक कर लेते हैं। सूजी काफ़ी फूल गई है। बैटर में हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। इसको मिक्स कर देते हैं। बैटर हमें थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी बस हमें इसी तरह से रखनी है। चलिए अब दही बल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे हमने अप्पे पैन ले लिया है, फ्लेम को लो पर कर देंगे। हम इन सब में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर इन सब में डाल देंगे। इन्हें हमें ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है। इनको ढककर 2 मिनट पकने देंगे। हमें इन्हें लो फ्लेम पर ही पकाना है। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे।
और इसको ढककर फिर से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। बीच वाले दही बल्लों को हम पहले चेक करेंगे क्योंकि वहाँ पर फ्लेम ज़्यादा लगती है। तो ये देखिए इनमें कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम सभी को पलट देंगे। और इनको ढककर हम दूसरी साइड से भी इनको 3-4 मिनट तक पका लेंगे। और ये देखिए हमारे दही बल्ले दोनों तरफ से सिककर तैयार हो गए हैं। इनको निकाल लेते हैं। और ये देखिए ये कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, और वो भी इतने कम ऑयल में। अब हम इन्हें जो हमने पानी तैयार किया था उसमें डाल देंगे। हमें इन्हें 15 से 20 मिनट ही पानी में भिगोना है, ज़्यादा नहीं भिगोना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर ये ज़्यादा देर पानी में रहेंगे तो ये घुल जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी के दही बल्ले बनाकर भी पानी में डाल देंगे। ये देखिए हमारे जो पहले दही बल्ले हैं वो फूल के काफ़ी बड़े हो गए हैं। पहले वाले दही बल्लों को 15 मिनट हो गए हैं भीगे हुए, तो अब हम इनको इस तरह से हल्के हाथों से दबाकर निचोड़ लेंगे और इनको निकाल लेंगे। जो हमने पहले दही बल्ले भिगोए थे पानी में वो हमने सारे निकाल लिए हैं। एक हम आपको तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो चलिए अब दही बल्ला चाट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इनके ऊपर दही डालेंगे जो हमने तैयार की थी। अब इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे। दोनों चटनी की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जो हमने इसका मसाला तैयार किया था उसको इनके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इनके ऊपर थोड़ी सी बारीक सेव और अनार डालेंगे और ये सॉफ्ट बिना फ्राई करे दही बल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। इसके लिए हम एक बोल में 1/2 कप मोटी सूजी लेंगे, 2 टेबल स्पून मैदा। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप गरम पानी। ये पानी हमने बिल्कुल उबला हुआ डाला है, इसलिए हम इसको पहले चम्मच से मिक्स करेंगे जिससे कि हमारा हाथ ना जले। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसको हाथ से मल लेंगे। सब चीज़ का रेशो आप उतना ही रखें जितना कि हमने लिया है, नहीं तो आपके गोलगप्पे अच्छे नहीं बनेंगे। हमें यहाँ पर डो को ज़्यादा नहीं मलना है, केवल 2-3 मिनट तक हम इसको मलेंगे। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम गोलगप्पे का पानी बना लेते हैं। इसके लिए हम मिक्सी जार में थोड़ा पुदीना लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्च जिनको कि हमने 2 पीसों में काट लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून इमली का पल्प जिसको कि हमने 1/2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दिया था, पल्प में बीज नहीं होने चाहिए, 1 टेबल स्पून नींबू का रस। अब हम इनको पीस लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे। छान लेने से गोलगप्पे का पानी ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखिए इसमें जो मोटे रेशे थे वो अलग हो गए हैं, हम इनको अलग निकाल देंगे। छने हुए पेस्ट में अब हम 3 कप पानी डालेंगे। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून काला नमक,
हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, डेढ़ टी स्पून जीरा पाउडर, एक टी स्पून अमचूर पाउडर, एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और इनको मिक्स कर देंगे एक बार। अब इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल देते हैं और इनको मिक्स कर देंगे एक बार। ये हमारा गोलगप्पे का तीखा खट्टा पानी तैयार हो गया है। अब हम मीठा पानी बनाएंगे। इसके लिए हम एक बोल में आधा कप इमली का पानी लेंगे, चार टेबल स्पून पाउडर शुगर, एक टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, आधी टी स्पून से भी कम। अब हम इसमें तीन कप पानी डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे और इसमें भी थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे। और ये हमारा मीठा पानी तैयार हो गया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको तीखा या मीठा कर सकते हैं। ये हमारे गोलगप्पे का डो तैयार हो गया है। अब हम इसको 5 मिनट तक मलेंगे। इसको हमने सही तरह से मल लिया है। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट को हम निकाल लेंगे और बाकी को हम ढककर रख देंगे और इसकी गोल लोई बना लेंगे। और अब हम इसको पतला बेलेंगे। इसको हमने बेल लिया है। अब हम इस तरह का कोई भी छोटा ढक्कन ले लेंगे और गोलगप्पों को इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई ढक्कन नहीं है तो आप छोटी छोटी लोइयां बेलकर गोलगप्पे बना सकते हैं। अब हम एक्स्ट्रा आटे को हटा लेंगे, इसको ढककर रख देंगे और बाद में यूज़ कर लेंगे। अब हम गोलगप्पों को उठाकर साफ़ सूती कपड़े पर ढककर रख देंगे, देखिए इस तरह से। और बाकी के गोलगप्पे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। इतने डोसे लगभग हमारे 38 गोलगप्पे बने हैं। हम जब गोलगप्पों को तलेंगे तो हमने जो पहला गोलगप्पा बनाया था उसी को पहले डालेंगे, और इसी तरह से जो हमने पहले तैयार किए हैं उनको हम पहले ही डालेंगे। और हमें गोलगप्पों को ऑयल में डालते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस वक्त जो साइड गोलगप्पे की ऊपर है वो ऊपर ही रहे ऑयल में भी, और जो नीचे है वो ऑयल में नीचे ही रहे। यहाँ हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। डालते वक्त फ्लेम हाई होनी चाहिए और हमें एक साथ ज़्यादा गोलगप्पे नहीं डालने हैं, केवल 3 या 4 ही डालें। गोलगप्पे डालने के बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे और एकदम हमें गोलगप्पों को कलछी से दबाकर फुलाना है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इन्हें लो फ्लेम पर कलर आने तक तलेंगे। ये देखिए इनका अच्छा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी के गोलगप्पे भी तल लेंगे। ये देखिए हमारे सारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। हो सकता है आपके कुछ गोलगप्पे फूले ना, मेरे भी यहाँ पर कुछ गोलगप्पे फूले नहीं हैं, तो हम उनको पापड़ी चाट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। गोलगप्पों को हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इतने हम इनकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं जिनको कि हमने छोटा छोटा काट लिया है। इसमें डालेंगे 1/4 कप सफ़ेद मटरा उबला हुआ, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। और अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे गोलगप्पे की फिलिंग तैयार हो गई।
देखिए हमारे गोलगप्पे कितने क्रिस्पी बने हैं और ये हमारे गोलगप्पे खाने के लिए तैयार हैं। जो हमने टिप्स बताई हैं आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपके गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप भी इस होली पर ये रेसिपीज ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।